गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। मैं सर्वेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि ईएमआरएस को लेकर के ईएमआरएस के आपकी जो वैकेंसी आई है, उस वैकेंसी को लेकर के जो आपके उस वैकेंसी में जो ईएमआरएस के लिए जो वैकेंसी है, उस ईएमआरएस में अगर मैं बात करूं तो इसमें जो एक आपका सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है या महत्वपूर्ण जो आपका एक अंग कह सकते हैं इस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उस सिलेबस में जो आपका एक महत्वपूर्ण अंग है जिसे आप जनरल अवेयरनेस या सामान्य जागरूकता की बात करते हैं, जनरल अवेयरनेस की बात करी जाती है, जीए की बात करी जाती है, उसको लेकर के आपकी एक सही तरीका और आपकी एक सही स्ट्रेटजी क्या होगी, उसके संदर्भ में मैं बात करने के लिए यहाँ आया हूँ। तो ये आपका ध्यान रखेंगे, हाउ टू प्रिपेयर, यानी आपको प्रिपेयर कैसे करनी है, क्या किस चीज़ के बारे में, इस जनरल अवेयरनेस की बात करें या फिर अगर मैं बात करूं तो सामान्य जागरूकता की मैं बात करूं तो सामान्य जागरूकता जो हो रही है, इस सामान्य जागरूकता या आपके जनरल अवेयरनेस की तैयारी कैसे करें और उसकी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उसके लिए मैं यहां पर आप लोगों से डिस्कस करने के लिए आया हूं। चलिए हम बात करते हैं, अगर जीए को हम देखें तो इस जीए के पार्ट को हम तीन तरीके से बांट सकते हैं। जो जीए का पार्ट है ये तीन तरीके से हम पढ़ सकते हैं। आपके ईएमआरएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करी जाए, जीए के कई सारे कई डिफरेंट डिफरेंट आपके एग्जामिनेशन में अलग अलग तरीके से जीए का रोल होता है, लेकिन यहां हमें बात करनी है आपके लिए जीए को लेकर के, जो जीए का आपका रोल होगा वो ईएमआरएस को लेकर के होगा। इस ईएमआरएस को लेकर के जीए को जो हमने बांटा हुआ है वो तीन पार्ट्स में बांटा हुआ है। तीन पार्ट्स में अगर मैं बताऊं तो तीन पार्ट्स में आपका एक सबसे अच्छा जो कोर पॉइंट जिसको इन्होंने सिलेबस में क्लियरली मेंशन किया है, क्लियरली लिखा गया है वहां पर कि स्पेशल इम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन के क्षेत्र में जो आपके जितने भी जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को आपको टैकल करना है। यानी आपके ईएमआरएस जीए को लेकर के पहला जो ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है या सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है आपका, वो है आपका स्पेशल इम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। उसके बाद से जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन किया गया है, वो दूसरा पार्ट आपका कौन सा है, वो दूसरा पार्ट आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तीसरे पार्ट की तो तीसरा जो पार्ट है आपका, वो तीसरा पार्ट है आपका फैक्ट रिलेटेड जो आपकी चीजें होती हैं, जिसमें आपको पता है हिस्ट्री से रिलेटेड और आपके पॉलिटी और आपके जियोग्राफी से रिलेटेड जितनी भी चीजें आती हैं, जितने भी इससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरीके के कि फैक्ट के बेस्ड पे जो क्वेश्चन होते हैं और बेसिक्स की नॉलेज जिन पे आपको होती है, इन सारे नॉलेज पर लेकर के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर मैं सबसे पहले आपकी चर्चा करूं, अगर सबसे पहले इन बिंदुओं पर अगर मैं चर्चा करूं तो इन बिंदुओं के जीए के जो आपके थर्ड पार्ट है, इस थर्ड पार्ट पे अगर मैं चर्चा करूं तो इसका थर्ड पार्ट पे अगर चर्चा करने की विषय है तो जिसमें आपकी बात करी जाए हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में भी आपको उतनी सारी चीजें पढ़नी है जो आपके लिए कंपल्सरी है। जैसे आपको चीजों के बारे में पढ़ना है, कुछ आपके इतिहास के बारे में, कुछ आपके उनके बेसिक्स जो जानकारी है, उस जानकारी को तो रखनी ही रखनी है, लेकिन इसमें भी आपको हिस्ट्री में वो सारी जानकारी रखनी है कि ब्रिटिश भारत में शिक्षा का, शिक्षा से रिलेटेड जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड है, उन सारी चीजों के उन सारे बिंदुओं को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से कवर करना है। जैसे अगर मैं बताऊं आपसे कि अगर हिस्ट्री की बात करी जाए तो हिस्ट्री में अगर आपके ब्रिटिश कालीन में एजुकेशन की शुरुआत कहां से हुई और ब्रिटिश कालीन से लेकर के वहां तक लेकर के कि किस तरीके से शिक्षा का क्रम जो था वो ब्रिटिश काल से आगे बढ़ा, इसी तरह से आगे मैं आऊं तो ब्रिटिश काल से आगे जाने के बाद जो आपका होगा उसमें आपको पूछा जाएगा कि जब आजादी के समय भारत की कैसी शिक्षा की कैसी स्थिति थी, उन सारी चीजों को देखते हुए, हम उन सारी चीजों को करते हुए आपको अच्छे से इस पे भी कवर करना होगा। जो बेसिक्स आपके होंगे वो बिल्कुल टू द पॉइंट आपके शिक्षा से रिलेटेड ज्यादा आपको इंफेसिस करना है, यानी शिक्षा के संबंध में आपको ज्यादा पढ़ना है। शिक्षा के संबंध में जो जो संशोधन आपके, या फिर संशोधन के अलावा जो जो आपके अनुच्छेद हैं पॉलिटी में, इसको तो आपको बढ़िया से कवर करना है। और भी शिक्षा को, और भी आपके पॉलिटी को लेकर के जो इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होते हैं उनको भी अपने दिमाग में रखना है। जियोग्राफी की मैं बात करूं तो जियोग्राफी में आपको बेसिक्स जियोग्राफी के बारे में कि गंगा फिर सेवन सिस्टर्स क्या होते हैं, अगर मैं बात करूं तो इंदिरा कॉल किसे कहते हैं, इंदिरा पॉइंट करते हैं, इस तरह के बेसिक्स क्वेश्चन आपके जियोग्राफी से पूछ सकते हैं। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस भी आपको तैयार होने चाहिए।
दूसरी मैं बात करता हूं, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यही आपके दोनों हैं, जिसमें आपको मैं बताऊं तो अगर करंट अफेयर्स के बारे में आपको बताया जाए तो करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए ध्यान रखेंगे, करंट अफेयर्स भी रिलेटेड होगा आपका बेसिकली। इस पे ज्यादा आपको जोर देना है, जो ज्यादा जोर देना है वो देना है आपको किसके किसको लेकर के, वो देना है आपको एजुकेशन को लेकर के, यानी एजुकेशन पे जितनी भी चीजें हुई हैं उन सारी चीजों पर आपको विशेष तौर पर जोर देना है। चलिए अगर मैं यहां बात करूं आपसे इन सारी चीजों के बारे में जो करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स के आपके कम से कम मिनिमम मैं बता दूं आपके 6 मंथ के तो आपके करंट अफेयर तैयार ही होने चाहिए। इन 6 मंथ पे आपको करंट अफेयर पे मेहनत करनी होगी। जब जो आपका सिलेबस के अगर मेंशन करा जाए आपके सिलेबस में, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो आपका स्पेशल इम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन है, इस चैप्टर को अगर लेकर के चला जाए तो इस चैप्टर में मैं आपको बताऊं, इस चैप्टर में आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें आपकी कौन कौन सी चीज है और किसके किसके बारे में यहां बात की जाएगी वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, और किसके किसके बारे में आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे आजादी के बाद और वर्तमान में चल रही योजनाएं जो चल रही हैं आपकी शिक्षा से रिलेटेड, या आजादी के बाद कौन सी योजना चलाई गई शिक्षा को लेकर के, या अभी वर्तमान में कितनी शिक्षा के संबंध में जो आपकी योजनाएं चल रही हैं, स्कीम्स चल रही हैं, उन स्कीम्स का क्या इंपॉर्टेंस है, उनकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उनको कैसे इंप्लीमेंट किया गया, इन सारी चीजों के बिंदुओं पर आपको चर्चा करना है और इन सारी बिंदुओं को आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर करना है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यही रह गया। दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं मैं तो शिक्षा से संबंधित जो रिपोर्ट आपके कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट पहले थे और कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट अभी जो प्रेजेंट टाइम में है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये टॉपिक आपका करंट से रिलेट करेगा, ज्यादातर मोस्टली इसमें करंट से रिलेट करेगा और करंट के ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो AISHE का जो रिपोर्ट आया था उस रिपोर्ट में क्या कहा गया, उस रिपोर्ट की क्या अवधारणाएं रही, उन सारी चीजों में कॉन्सेप्ट क्या रहे, उन सारी चीजों पर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। अगर मैं बात करूं केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वर्तमान में जो चल रही हैं और वो वर्तमान में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं, यानी महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं वो एक एजुकेशन के क्षेत्र में, वो योजनाएं जो हैं, वो योजनाएं आपको यहां पर ध्यान देना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इसको आपको शिक्षा से ही रिलेट करना है, ध्यान रखेंगे केवल और केवल एजुकेशन से रिलेटेड करके यहां पे कराई जाएगी। अभी और भी थोड़ी सी बातों में अगर कहा जाए तो आगे इसका एक स्टेप हो सकता है कि शिक्षण संस्थाओं की जानकारी, यानी भारत में अगर देखा जाए कौन कौन सी ऐसी प्रसिद्ध आपकी शिक्षण संस्थाएं हैं जो प्रभावी रूप से लागू की जा रही है। जैसे अभी मैं बात करूं आपसे तो अभी ये जो कॉन्सेप्ट आपका EMRS का कॉन्सेप्ट आया, ये EMRS के कॉन्सेप्ट आपके संसद में बोले गए कि इसमें धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इसमें 38,880 वैकेंसीज को क्या किया जाएगा, फुलफिल किया जाएगा इस आपके आने वाले विगत 3 वर्षों में, यानी 3 सालों में इसको EMRS में एक EMRS खुल करके बहुत ही अच्छा विद्यालय, जैसे पहले अगर देखा जाए तो आपको नवोदय विद्यालय क्या था, केंद्रीय विद्यालय क्या है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय क्या है, इस तरह की शिक्षण संस्थाओं के बारे में जो जानकारी होगी उस जानकारी के बारे में आपको ज्यादा भी फोकस करना है। तो इस तरीके की अगर देखा जाए तो इस तरीके की आपकी एक सही और स्पेसिफिक स्ट्रेटजी होनी चाहिए GA को कवर करने के लिए। बेसिकली अगर मैं बात करूं, ध्यान रखेंगे अगर बुक्स और मटेरियल की आपकी बात करी जाए तो मार्केट में जाहिर सी बात है मार्केट में आपके बहुत सारे बुक्स और मटेरियल्स आपके मिल सकते हैं, लेकिन क्या EMRS को लेकर के एक पर्टिकुलर कोई EMRS के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या किसी ने बुक बनाई है? अभी तो मार्केट में अगर देखा जाए इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बुक की बात करूं मैं तो अभी मार्केट में कोई बुक अवेलेबल नहीं है जो आपको इसके विषय में ज्यादा अच्छी तरीके से जानकारी दे सके। ध्यान रखेंगे अगर मैं बात करूं यहां पर तो परीक्षा प्लस की संस्था में आपको बताया जाएगा कोर्स का संचालन किया जा रहा है, उसमें कोर्स के संचालन में आपको पता है कि EMRS के लेकर के EMRS के आपके वार्डन को लेकर के वार्डन के साथ साथ आपको JSA को लेकर के और JSA के साथ साथ ध्यान रखेंगे लैब अटेंडेंट के कोर्स का संचालन किया जा रहा है, यानी हम लोगों के द्वारा कोर्स यहां पर चलाया जा रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आप पर्टिकुलर ढंग से मैं बता दूं आपको कि यहां पर अगर आपसे कहा जाए, यहां पर मैं अगर आपसे एक चीज बताऊं, यहां पर अगर आपको कहा जाए कि अगर आपको क्लासेस की बात करें, क्लासेस प्लस आपके नोट्स, जो आपके नोट्स के साथ साथ जो आपके टोटल EVS जो आपके
इन जनरल अवेयरनेस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे, उन जनरल अवेयरनेस पे आधारित जो आपके नोट्स होंगे उनका ई बुक मॉडल आपको, ई बुक आपको मिलेगा। इन ई बुक्स के लेकर के आप चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से इस परीक्षा में प्लस में जो कोर्स का संचालन हो सकता है, हो रहा है, इस संचालन का बहुत ही अच्छे तरीके से अवेल कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पे ईएमआरएस वार्डन के लिए, तो ईएमआरएस वार्डन के लिए आप देखेंगे कि यहां पे 699 फी है, जिसमें आपका 592 प्लस जीएसटी, जिसका टोटल अगर कहा जाए तो ये टोटल आपका कितना, टोटल अगर मैं बात करूं तो ये आपके 699 हो जाता है। तो इस तरीके से आप कोर्स के लिए, आप संचालित कोर्स को आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें आप ज्यादा से ज्यादा इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप शेयर भी कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करके इस कोर्स के लिए आप कोर्स को भी आप परचेज कर सकते हैं। आप पर्टिकुलर नोट्स को लेकर के और पर्टिकुलर आपके हर एक टॉपिक को लाइव क्लासेस के माध्यम से आपके आपकी हर एक डाउट्स को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए तब इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।